नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज। मैं मोहम्मद अफजल आलम। राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट लो। इन दिनों अयोध्या में यही चल रहा है। राम मंदिर के नाम पर किस तरह से राम भक्तों को धोखा दिया जा रहा है, आंखों में धूल झोंका जा रहा है और चंदा चोरी कैसे किया जा रहा है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बेची जा रही है और 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंतर पर 18.5 करोड़ की कीमत हो जाती है। दुनिया में इतना इजाफा कहीं नहीं होता होगा कि मात्र 5 मिनट के अंदर में 16 लाख रुपया कीमत बढ़ जाता है। जी हाँ, दरअसल अब जो एक नया मामला आया है, जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और कैसे आस्था के नाम पर लोगों को चोट पहुंचाया जा रहा है। और आपको नारा याद है, न खाएंगे न खाने देंगे। जब नए नवेले देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने ये नारा दिया था। और आप कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और राम मंदिर ट्रस्ट के लोग चंपत लगा रहे हैं राम मंदिर का जो चंदा है उसमें, आप जानकर हैरान हो जाए। सबसे पहले न्यूज लॉन्ड्री की इस खबर को देखिए। अयोध्या के मेयर, जिनका नाम है ऋषिकेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के मेयर है, उनके भांजे हैं दीप नारायण। जी हाँ, वो क्या करते हैं कि फरवरी 2021 में 20 लाख में जमीन खरीदते हैं और उसी जमीन को मई 2021 में राम मंदिर ट्रस्ट को कितने में बेच देते हैं, 2.5 करोड़ में, 12 गुना ज्यादा कीमत पर। आप खुद सोचिए कि जो मार्च जो फरवरी में 20 लाख में खरीद हुई उसको बेच कितने में रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए में। दीप नारायण जमीन खरीदते हैं महंत प्रसादाचार्य से। ये न्यूज लॉन्ड्री ने जो खुलासा किया, ये सनसनीखेज खुलासा है। और कैसे चोरी की जा रही है चंदे की, वो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 35,60,000 रुपया मार्केट वैल्यू जमीन की कीमत थी और जमीन को खरीदा जाता है 15,60,000 की कम कीमत पर, यानी 20 लाख में खरीदते हैं दीप नारायण, जो अयोध्या के मेयर, उनके भांजे हैं और वो भी सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट को बेच देते हैं 2.5 करोड़ में। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व अयोध्या से विधायक पवन पांडे ने बड़ा खुलासा किया था कि 5 मिनट के अंतर पर 2.5 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बिकती है। जी हाँ, वो जमीन के बारे में भी थोड़ा सा आप डिटेल में समझ लीजिए कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक दोनों पति पत्नी हैं, इन दोनों की जमीन थी। इस दोनों की जमीन को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी खरीदते हैं। ये दोनों कारोबार करते हैं जमीन खरीद फरोख्त का। और इन दोनों से जमीन जो है राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा जाता है। राम मंदिर ट्रस्ट जो है इस जमीन को खरीदते हैं कितने में, 2 करोड़ में। कितने में, 2 करोड़ में। इसमें जो खरीद फरोख्त होता है, इसके जो गवाह होते हैं अनिल मिश्रा जो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य होते हैं और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर है, ये दोनों गवाह भी होते हैं इस जमीन की खरीद फरोख्त में। और बाद में क्या होता है कि इस जमीन की कीमत 5 मिनट के अंतराल पर हो जाती है 18.5 करोड़। जब राम मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह से घिर गया, लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे और ये कहने लगे कि ये चंदा जीबी चंदा चोर राम के नाम पर कितनी बार लोगों को उल्लू बनाएंगे और अपना पॉकेट अपना माल भरेंगे, तब चंपत राय, जी हाँ चंपत राय कौन है वो जान लीजिए। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव है और साथ में विश्व हिंदू परिषद के नेता भी है। जब उनके ऊपर सारे आरोप लगने लगे, तब वो आकर सफाई क्या देते हैं कि हम जिस वक्त ये जमीन खरीद रहे थे, जिस वक्त हमने करार किया था उस वक्त कीमत यही थी, लेकिन अब मार्केट वैल्यू बढ़ने की वजह से इसकी कीमत इतनी हो गई, इसी वजह से हमने 18.5 करोड़ में खरीदा है। और साथ में सुल्तान अंसारी का भी बयान आता है कि हम राम भक्त हैं, इसी वजह से हमने इतने सस्ते में जमीन दे दिया, नहीं तो इस जमीन की कीमत तो 24 से 25 करोड़ रुपया है। हाय हाय, कितना अच्छा दिन आ गया है। अब खुद सोचिए ना कि यही तो राम राज्य है। राम राज्य में सुल्तान अंसारी और तिवारी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा फसाद कराते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं और लाखों की जमीन करोड़ों में बिक रही है। इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है मुख्य पुजारी रामलला ब्रजमान का, और जिनका नाम है महंत सत्येंद्र दास और साथ में मुख्य पुजारी हनुमानगढ़ी महंत राजू दास का, आप वो देखिए। अब इसमें संशय तो होगा ही,
प्रत्येक जिसके सामने जाएगा कि 2 करोड़ की संपत्ति तो 18.5 करोड़ में खरीदी गई, तो इसमें औचित्य क्या रहा और कैसे उसी जमीन का जो 2 करोड़ की है वो 18.5 करोड़ की कैसी हो गई, इस यह संशय जो है वो तो बना रहेगा। इसका तो समाधान यही है कि इसकी जांच हो, कैसे वो हुआ और किस प्रकार से हुआ, और जो संपत्ति है ये ट्रस्ट के पास आई है वो संपत्ति सब रामलला की है। रामलला के नाम से ही सारे पैसे आए हैं, मालिक स्वयं रामलला है। रामलला के पैसे को दुरुपयोग करना ये किसी कीमत पर उचित नहीं है। ट्रस्ट का कहना है कि हमने ये बहुत पहले उन लोगों ने एग्रीमेंट कराया था, उस हिसाब से रेट लगा, मैं आज एग्रीमेंट करा रहा हूँ इसके नाते आज के रेट है, लेकिन ये विषय नहीं है, विषय गंभीर है, आस्था का विषय है। हम लोगों ने 1-1 रुपया, हिंदू जनमानस ने 1-1 रुपया दिया था कि भव्य दिव्य राम जन्मभूमि बने। अगर इसका बंदरबांट होता है, अगर बिचौलिए खाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके नाते आपके चैनल से मैं मांग करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, इसकी ईडी और सीबीआई जांच हो। अभी तक जहां भी जमीनें खरीदी गई है, ट्रस्ट के लोगों ने कहीं पर भी जमीन खरीदी है, उस जमीन की बाकायदे जाँच हो और उस जाँच में दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर उस जांच में सत्ता है, इन लोगों ने घपला किया है, तो इनके ऊपर जो है ये पुनः पैसा वापसी हो, रिकवरी हो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस पूरे मामले पर मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो करोड़ों राम भक्त है, जो जिनका आस्था है और जो जिसका श्रद्धा है, विश्वास है, जिन्होंने चंदा दिया, करोड़ों रुपए का चंदा आया, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2500 करोड़ रुपए का चंदा आया है राम मंदिर निर्माण के लिए, और चंदे को कैसे चंपत किया जा रहा है, चंपत लगाया जा रहा है, वो आप देख रहे हैं चंपत राय जी के नेतृत्व में। साथ में आपको ये बता दें कि ये जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा बनाया गया, उसमें इतना बड़ा घपलाबाजी, घोटालेबाजी हो रहा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आप खुद सोचिए कि ये कितने बड़े राम भक्त हैं और कितने बड़े सच्चे पवित्र और पाक इंसान हैं, ये आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण हो, और माल कैसा भरा जा रहा है, लाखों की जमीन करोड़ों में, और करोड़ों की जमीन 16 गुना बढ़ जाती है। आप खुद सोच करके देखिए कि क्या हो रहा है, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये जो चंदा चोर है, जो चंदा जीबी है, जो मामू भाजा मिल करके देश को चूना लगा रहे हैं, जो करोड़ राम भक्त को के विश्वास और आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनको करारा जवाब मिल सके। और आपसे अंत में अपील भी है कि आप हमारे चैनल द डी के को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।